यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर धाम यही हर नाम यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती हरि बोल पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मकसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती हरि बोल मधुर बोल जग पंथ खोल सन मर्द खाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती नहीं पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से कृष्णा 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 चौथा दिन है और तुम कुछ जलपान ग्रहण कर लीजिए। राजा परीक्षित हाजुर के खड़े होके कहा गुरुदेव कि तुम्हारी कृपा भये सब काजू जन्म हमारे सफल भये आजू। कि तुम्हारी कृपा भय सब काजू जन्म हमारे सफल भई आज। आइए आज की ठाकुर इंद्र
सिंह जी ने स्वागत किया ठाकुर जी के चरणों में। भगवान कन्हैया की जय जयकार पर भंडार बढ़ते रहे। कि राम चरित मानस मिल जावा सबके ही आनंद जगावा। मंगल भव उमा सहित जपतऊ त्रिपुरारी। ये राम जी का चरित्र है भगवान का, और बाबा तुलसीदास ने सीधा लिखा है, पता है ना क्या। अरे राम कथा सुर तर की छाया, अरे राम कथा सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। सुर माने देवता, तर माने वृक्ष। राम कथा सुर तर की छाया, भय दुख दुख भय दूर निकट जो आया। जो गोविंद की शरण में आ जाता है तो दीक्षित जी उसके दुख दूर हो जाते हैं। आप इस राम नाम की गंगा में गोता लगा रहे हैं, और उस गोता में भी आप कमी कर देंगे ना तो शायद के गोविंद की कृपा नहीं है। मगर ये सोच लो, दवा और दुआ, दवा और दुआ दिखती नहीं महाराज किसी को, असर पूरा करती है मगर दिखती नहीं है। आइए चलते हैं गोविंद के चरणों में मीठी मीठी तालियों के साथ। चौथे दिन की कथा का शुभारंभ। हरे भव सागर से, हरे भव सागर से तरी जाए गोरे ने करा राधे 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 बोल। सभी को बोलना है। तरी जाए गोरे ने कर राधे 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 बोले भंडारे ने कर राधे 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 बोले। राधा नाम है इस दुनिया में सबसे सुंदर प्यारा, राधा नाम है इस दुनिया में सबसे सुंदर न्यारो। वही राधा नाम है, राधा नाम है, राधा नाम है दुनिया में सबसे सुंदर प्यारो, राधा नाम है इस दुनिया में सबसे सुंदर न्यारो। राधा नाम सुमर बेते, हाँ राधा नाम सुमर बेते, तू मिल जाए बंसी वारो ने कह राधे राधे राधे।
बोली भला रे देख राधे 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 वो श्याम बिना है राधा राधा के बिन श्याम है आधा श्याम बिना है राधा राधा के बिन श्याम है आधा श्याम बिना है राधा राधा के बिन श्याम है आधा श्याम बिना है राधा अरे राधा राधा रटवे ते हाँ राधा राधा रटवे ते तेरी कट जाएंगी सब व्याधा ने का राधे 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 बोली भला रे देखा राधे 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 बोल सागर से तरी जाए गोरी ने का राधे 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 बोली भला रे देखा राधे 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 बोल राधा के बिन श्याम है आधा श्याम बिना है राधा राधा के बिन श्याम है आधा श्याम बिना है राधा राधा के बिन हो राधा के बिन श्याम है आधा श्याम बिना है राधा राधा के बिन श्याम है आधा श्याम बिना है राधा 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 अरे राधा नाम सुमर बे तेरी पार होएगी नैया नेका राधे 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 बोले बलारे नेका राधे 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 बोले भव सागर से तरी जाए मोरे नेका राधे 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 बोले बलारे नेका राधे 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 बोले बलारे नेका राधे 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 बोले बलारे नेका राधे 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 बोले राधे रानी सरकार की जय बोली गोविंद भगवान की जय भव सागर से तर जाएगो नेक राधे राधे बोल यदि भव सागर से तरना है तो राधा का नाम जपना पड़ेगा मारे यदि राधा का नाम नहीं जपा तो जीवन में ब्याधा ही ब्याधा आती रहेंगी राधा राधा का उल्टा है धारा का जैसे कोई अंत नहीं है इसी तरीका से राधा का भी कोई अंत नहीं है। ध्यान से सुनना, कल हमने कथा सुनाई थी आप लोगों को, कहां राम किया था पता है ना, कहां आहा क्या बात है, कोई तन से कोई मन से कोई धन से करता है। गिलहरी ने सेवा करी भगवान की तो मेरे गोविंद ने उसको गोद में ले लिया, और आप लोग भी यदि सेवा करेंगे तो मेरा गोविंद मेरा ठाकुर ऐसा निर्दयी नहीं है कि जो तुम पे सेवा ना करे और तुम पे कृपा ना करे। हैं? कल मैंने स्वयं मनु सतरूपा की कन्याओं का वंश सुनाया, कर्दम जी की 9 कन्याएं हुई जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम है कला। कला कश्यप जी यानी कला सबसे बड़े बेटा है ब्रह्मा के मरीच, उन मरीच के लिए उनकी शादी हुई। उनके दो बेटा हुए कश्यप और पूर्णमा, एक कन्या हुई जिसका नाम है पूर्णमा। उस कन्या का नाम
देवकुल्ला पड़ा और वही कन्या महाराज आगे जाकर के त्रेता युग में दादा भीष्म यानी कि जिनकी वंशज थे जिनको गंगा पुत्र कहते हैं वही उनकी माँ गंगा बनकर की पृथ्वी पाई थी। इसके बाद में राजन दूसरी बेटी का नाम है अनसुईया। क्या नाम है? अनसुईया। अनसुईया वही अनसुईया है जो अत्रि जी के लिए ब्याही है और महाराज वही अनसुईया है जिन्होंने तीनों देवताओं को बालक बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को बालक बना दिया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये बताइए ना उन्होंने बच्चा कैसे बना दिया बालक कैसे बना दिया उनको। कि राजन ध्यान देना कि शरणातयम् न प्रपहे न देहा या तम न जगदीश प्रजहानमातम न समान ममयम प्रतीक्षमानान चिंतन। एक बार अत्रि जी ने भगवान विष्णु की इतनी घनघोर तपस्या करी कि उनकी तपस्या के सामने ना सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया तो तीनों देवता दौड़ करके आए बोले अत्रि जी हम तुम्हारी भक्ति पे बड़े प्रसन्न हैं महाराज और आप जो मांगो सो पाओगे जो मांगोगे सो पाओगे। अत्रि जी बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कोई है जो भगवान कहे के मांग लो ले लो और मने करे? आज उन्होंने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। अत्रि जी बोले महाराज आपकी जो इच्छा है वो ठीक है मगर हम चाहते तो कुछ नहीं है मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कि क्या? कि मैंने तो तुमको बुलाया था इन दोनों को क्यों लेके आए? तो उन्होंने कहा अरे भैया अत्रि जिन्हें तुम तीन देख रहे हो ना ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीन नहीं हैं हम तो महाराज तीनों ही एक हैं। जब भोले बाबा की आरती बोलते हैं त्रिमाक्षर के मध्य ये तीनों एका हम तीनों उकार मकार सकार रजोगुण तमोगुण सतोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों ही एक हैं। हम तीन हकाएं अलग अलग नहीं है कोई किसी रूप में बुलाओ तो महाराज हमको जाना पड़ता है और तुम्हारी इच्छा है तुम नहीं मांग रहे मन की जानते हम तो क्या चाहते हैं। बोले बताइए कि तुम चाहते हो ऐसे पुत्र हो। देखना माता अनसुईया गणेश चतुर्थी है गणेश चौथ उसमें महाराज उन्होंने मोतीचूर के लड्डू बनाए घर घर बनते हैं गणेश जी के लिए। तो नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए और माता अनसुईया के यहाँ पहुंच गए। माता अनसुईया से जाकर के भिक्षा हम दे मां जैसी भिक्षा मांगा तो माता अनसुईया ने लड्डू ला के खिलाया बेटा आओ नारद बैठिए। महाराज जैसे उन्होंने भोजन कराए लड्डू बोले कैसा लगा लड्डू? नारद बोले मैया आनंद आएगो स्वाद आएगो ऐसे लड्डू तो हमने कबू ना खाया। सीधा बीड़ा उठाया अपना और गुण गाते गाते माता लक्ष्मी के पास में पहुंच गए। माता लक्ष्मी ने भी लड्डू बनाए थे। माता लक्ष्मी से बोली ले बेटा नारद कि हाँ मैंने लड्डू बनाए ही जुन्नू वोल्टेज कम है कहाँ। जब माताजी ने लड्डू दिया ना और लड्डू महाराज जैसे खाया माता लक्ष्मी बोली लाला
लड्डू कैसा लगो? बोले माताजी बुरा ना मानो तो बता दू। बोले बताइए ना कि जैसा लड्डू मैंने पतवृता माता अनसुईया के हाथ का खाया है ना, ऐसा स्वाद नहीं आया। मतलब देखना, आग लगा दी। माता अनसुईया कहां पर है? तो मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में कहां? हमसे बढ़कर के पतवृता के तुम्हारे तो कुछ भी नहीं है। इतनी बात और कह दी तो बस समझ लियो महाराज आग शुरू हो गई। वही बात जाकर के अपनी माँ रुद्राणी से कह दिया, वही बात जाकर के माता सती से कह दिया। तीनों देवियों में यानी कि चिंगारी छोड़ करके पतंगा लगा के चले गए नारद जी। और जैसे ही महाराज तीनों देवताएं अपने अपने घर पहुंचे ना, तो मीटर हाई फाई हो गया। तीनों ने देखा ये क्या बात है, क्या हो गया? बोले नारद जी आए थे। हाँ आए थे, बताओ क्या करोगे, बोलिए। ओहो, इसका मतलब है कोई ना कोई बीज बो गया। अब महाराज सभी माता अनसुईया के यहाँ दरवाजे पर चलने की तैयारी हो गई है? क्यों कि पत्नी की ना मानो तो समस्या है महाराज, और या पत्नी की मान ले हो तो समस्या है। आज तीनों देवताओं ने अपना अपना रूप बदल लिया और तीनों देवता माता अनसुईया के दरवाजे पर पहुंचे और जाकर के अलख जगा दिया। माता अनसुईया के जाके तीनों ने कहा भिक्षाम दई मां। भिक्षा देने की जैसी बात कही तो माँ आटा दाल एक बर्तन में लाकर के महात्माओं को देने लगी। और महाराज माता अनसुईया से महात्मा जी क्या कह रहे हैं? बोले माँ हम ऐसे महात्मा नहीं है, हम ऐसे महात्मा नहीं है कि जो बना करके खाए ना। सुन, और कैसे कैसे तुझे भोजन कराना है। तो माता अनसुईया बोली बताइए ना कैसा भोजन करना है। अनसुईया के पति अत्रि जी घर पे नहीं है। और महाराज आज तीनों देवता माता अनसुईया से कहने लगे और क्या कहने लगे। भोजन करवाए दे मैया। आज तीनों देवता कह रहे हैं माँ से भोजन करवाए दे मैया, हम आए तेरे द्वार। हम तीन दिना के भूखे तिरहे जाएगो उधार। भोजन करवाए दे मैया, हम आए तेरे द्वार। हम तीन दिना तेरी भूखे तिरहे जाएगो उधार। साधु भोजन ऐसे न पामे, करो पूरी इच्छा मैया यसो तेरा गामी। करो पूरी इच्छा मैया यसो तेरा गामी। करो पूरी इच्छा मैया यसो तेरा गामी। आज तीनों महात्मा कह रहे हैं बोले हैं साधु भोजन ऐसे न पामे, करो पूरी इच्छा मैया
यसो तेरो गामी करो पूरी इच्छा मैया यसो तेरो गामी और नग्न गात हो करके और नग्न गात हो करके हमें गोदी ले बैठा तीन दिना के भूखे रहे जाएगो उतार अरे तीन दिना से भूखे रहे जाएगो उतार घर पे पति ना हो और तीन महात्मा या कोई बाहर का आदमी आ जाए, अकेली नारी हो और ये शर्त रख दिया जाए कि हम भोजन ऐसे नहीं करेंगे नगिन गात होकर के, आप हमारे सामने निर्वस्त्र होकर के और हमें अपनी गोदी में बिठा के भोजन कराओ, तो भला कोई करा सकता है क्या? परीक्षा जब कर रही थी आप, देखना माताजी क्या करती हैं आज। साधुन के बेन सुने माता शर्माई जा घर के टेर अपने पति से लगाई, जा घर के टेर अपने पति से लगाई, जा घर के टेर अपने पति से लगाई, नगिन गात हो कर साधुन के बेन सुनी माता शर्माई जा घर के टेर अपने पति से लगाई, जा घर के टेर अपने पति से लगाई, जा घर के टेर अपने पति से लगाई, अरे बालक जेरे बनाए हे बालक जेरे बनाए इन्हें माता रही निहार, हम तीन दिना के भूखे रहे जाएगो उदार, तीन दिना तेरी भूखे रहे जाएगो उदार। कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के राजन परीक्षित तीनों महात्मा पर जैसी मारा तो छह छह महीना के बालक बन गए। आ देखना, देखो विवेक माँ नगिन गात कीनों गोदी में लेके इनको मुख चूम लीनो, गोदी में लेके इनको मुख चूम लीनो, गोदी में लेके इनको मुख चूम लीनो, देखो विवेक माँ को नगिन गात कीनो गोदी में लेके इनको मुख चूम लीनो, गोदी में लेके इनको मुख चूम लीनो, और अरे दूध लगी है पिलाने,
ओए दूध लगी है पिलाने फिर पलना दीनो डार। उठाइए दोनों हाथ और कहना है दुगुन में, दूध लगी है पिलाने फिर पलना दीनो डार। हम तीन दिन आगे भूखे रोहे जाएगा उधार, हम तीन दिन आगे भूखे रोहे जाएगा उधार। आज तीनों देवताओं को माता अनुसुईया ने छह छह महीना के बालक बना दिया। तीनों देवताओं को बालक बना दिया। शाम को अत्रि जी जब घर आए तो म्याऊ म्याऊ की आवाज आ रही थी महाराज, म्याऊ म्याऊ की। अत्रि जी बोले, ए देवी कि म्याऊ म्याऊ की आवाज कहां से आ रही है? बोले महाराज तुम्हें नहीं पता है, जब परमात्मा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मतलब हाँ हाँ तुम्हें नहीं पता कि नहीं, हमारे घर में एक नहीं दो नहीं तीन तीन लल्ला भाई, तीन तीन। मतलब यदि मैं घर पे नहीं हूं और पीछे बालक तीन तीनों को, हाँ हमारे सामने तो एक भी नहीं था। और आजकल को सब पति हो तो ना, पति आजकल पति नहीं पतीला है मारा है। ये पत पत्नी का जो रिश्ता होता है एक दूसरे का खून पीने के लिए नहीं होता है, एक दूसरे के विपक्ष में चलने के लिए नहीं होता मारा। हंस के काटोगे तो जोड़ा से काटना पड़ेगा, जो बंधन हो गया ना सेवन फेरों का सात फेरों का, ये बंधन या तो मर के छूटता है फिर कोर्ट में छूटता है। अब बताओ कहां छुड़वाना चाहते हैं? जिस परिवार में जिस घर में कलेश शुरू हो जाएगी, कलेश चाहे बाप बेटा की हो चाहे माँ बेटा की हो चाहे पति पत्नी की हो, किसी की भी कलेश हो वो घर कभी भी तरक्की नहीं करता। ये पत और पत्नी का विश्वास रिश्ता जो होता है विश्वास के साथ होता है, विश्वास। और जहां विश्वास नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि तुम बढ़िया साड़ी नहीं लाए, बढ़िया मकान नहीं बनाया, अच्छा नहीं किया। अरे महाराज पहले बुजुर्गों ने पहली माता बहनों ने झोंपड़ी में अपना जीवन काट दिया। अब मैं कह रहा हूं कि इस पक्के मकान से वो झोंपड़ी वाला मकान आज भी अच्छा है। इन मकानों में तो बिना पंखा कूलर की नींद नहीं आ सकती, हमारा जरूरत नहीं पड़ती थी। जंगल में रहते थे और आजकल तुम एसी लगवा दो फिर भी नहीं रहती है, रहती है कि बताओ? मैंने तो ऐसे ऐसे देखा है, शादी होके आई ब्याह होने को हमारा दोबारा नहीं आई, मुकदमा चल गया। क्या कारण है ये? क्योंकि हमारा तुम्हारा जो प्रेम है ना वो खत्म हो गया। पति पत्नी का रिश्ता जो है ना, बताया था ना, सिर्फ सिर्फ होता है पैसा। सीताराम का जैसा नाता नहीं होगा पति पत्नी का। सीता जी ने वनवास काटा, संग गई, कष्ट उठाया, तो क्या आज की बेटा बहू को वनवास कर दिया जाए तो महाराज वन में रहेगा? वो कह देखो दिल्ली ना रहकर हरियाणा में रह लेंगे, हम तो कमरा लेके का टेंशन नहीं, तुम मरो हैं। भगवान राम चाहते तो एक बढ़िया महल बना सकती थी। राम की कथा में राम जी से एक एक ज्ञान प्राप्त होता है महाराज, एक एक शब्द का। पर रामायण को सुनते आज माता अनुसुईया तीनों बच्चे बना दिए,
एक बार पूछने के बाद में दोबारा अत्रि जी ने ये नहीं पूछा कि ये बच्चे आए कहां से, ये बच्चे आए कहां से, ये नहीं पूछा। बोले महाराज परमात्मा ने के दे ये तीन नहीं, तीन तीन बच्चे दिए हैं। आज अत्रि जी खुश, इधर देखना माता लक्ष्मी रुद्राणी सती को तीनों को चिंता हो गई, ये पति घर पे लौट के नहीं आए। नारद जी घूमते हुए अपनी पीड़ा को लेके पहुंच गए, क्योंकि नारद का काम क्या है, उठाना धरना इधर की उधर करना, यही तो उतल पतल है महाराज। क्योंकि नारद जी बड़े कौत की महात्मा है, साधारण महात्मा नहीं है। आज और नारद जी जैसे ही पहुंचे थे, माता लक्ष्मी बोली ए नारद कहां तूने उनको देखा है, किसको के हमारे वही जो थे ना। अच्छा हाँ देखा है, बताओ क्या करोगी, कहां है। अच्छा पहले तुम्हें एक बात बताओ, तुमने सास देखी है, सास। अच्छा किस किस ने सास देखी, जरा हाथ उठाइए जिन्होंने सास देखी है, देखी तुमने सास। ए सनी की मम्मी तुमने देखी सास, जो यानी पति की जो माँ होती है क्या कहते हैं उसे, सास कहती ना। जो बहू अपनी पति की माँ को सास कहेगी ना, उसके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। और सास उसे कहते हैं कि जो बहू को सांस ना लें दे, जो बहू को सांस ना लें दे उसे ही सांस कहते हैं। आप इसे बंद कर लीजिए, अपने जो चल रहा है ना मीडिया, इसे बंद कर लीजिए। कथा सुनने आई है आप, वीडियो बनाने नहीं चल रहा है ये कैमरा। एक बार जोर से बोल दो राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। उनने कही लाला एक बात बता, दुनिया की सास तो हम हैं चौजी, हमारी सास कौन होगी, दुनिया की सास हमें हमारी सास कौन होगी बताइए ना। यदि तुमने सास नहीं देखी तो सुनो, तुम्हें तुम्हारे पति नहीं मिलेंगे महाराज। बोले मतलब, हाँ एक बार की बात थी, ध्यान से सुनना। ऐसी कथा चल रही थी तो कहा कि जो बहू अपनी सासू माँ की सेवा करती हैं, सास ससुर की सेवा करती है ना, उनके जीवन में कभी कमी नहीं आती है, उनके जीवन में कभी कमी नहीं आती है। अब एक बेचारी बड़ी सीधी सादी बोली, हमारे घर में इतना सास है और ना ससुर है। वो बोली महाराज एक बात बताओ, यदि घर में ससुर और सास ना हो तो। उनने कहा उनकी मूर्ति बनवा लो, पहले ये फोटो तो चल नहीं थे कैमरा वाले, लकड़ी की मूर्ति बनवाई। किसकी, लकड़ी की, सासू माँ की। रोजाना निलावे सेवा करे महाराज, आरती करे, तिलक मतलब बड़ी सेवा कर रही। उनके पति रहते थे बाहर, जब 5-6 महीना बाद आए, बरसात का महीना था, ध्यान से सुनना। तब उनके पति आए तो उन्होंने कहा कि तुम ये थाली किसको बना रही है, तुमको नहीं पता है क्या। अरे अंदर बेड पे सासू माँ है हमारी, माँ जी सो रही हैं, उनको भोजन कराना है, चाय पिलानी है। पति बोला बाप रे बाप, मेरी माँ तो काफी समय पहले मर गई है, सासू माँ कोई नहीं आ गई होगी। अंदर जाके देखा तो लकड़ी की थी। चलो कोई बात ना, सेवा तो कर रही है ना। अब गर्मी का महीना था, छत पे सब लोग सोने गए। वो बोली सुनने ना, सुनने ना कहा, देखो नीचे मम्मी है, वो सासू माए सांस घुट जाएगी, गर्मी पड़ रही है, ऊपर ले आओ ना। अब बेचारे लकड़ी की थी, भारी थी, मुश्किल से छत पे ले गई, पहुंच गई। और जैसे ही छत पे पहुंची ना, तो उन्होंने छत पे जो मुड़गिली होती है ना दीवार, उस पर रख दिया। अब महाराज कोई जब ही पहली नींद आई, और इतने में आंधी और तूफान आए वो घनघोर। और जैसे ही आंधी तूफान आया,
कहीं से चार चोटा चोरी करके लाए थे, उनके घर के पीछे आके बंटवारा कर रहे थे सोने चांदी का, कि इतना तेरा इतना मेरा। इतने में जब आंधी तूफान आया तो हवा के झोंका से, आंधी के झोंका से वो मूर्ति जो थी ना सासू माँ की, धड़ाम से नीचे गिरी थी। पूरा शरीर बना हुआ था ना जैसे आदमी होता, ऐसे बनी हुई थी। जैसे ही वो गिरी तो चोटा बोले कि कोई बुढ़िया गिर गई, अभी हमें पकड़ लेगी, पकड़वा देगी। चोटा चारा माल को छोड़ के भाग छोटे। जब माल टाल छोड़ के भागे, बारिश आने लगी तो चोर और लंबे निकल गए। अब नीचे उतर आए, बोले सुनने ना के हाँ, अरे ऊपर मम्मी है, ऊपर मम्मी है, कहे भीग जाऊंगी, बीमार रह जाऊंगी। आदमी बोलो तेरी मम्मी ने खा ले हम तो, अरे लकड़ी की है, कहूं ना मर रही। ना ना उतार के लाओ। ऊपर गई बेचारी, थोड़ा बीस डालो या हल्का सा, आज दो पैसा का नहीं बोल रहा है, ध्यान देना। और जैसे ऊपर गए देखा चार लंग तो बुढ़िया नहीं मिली, उन्होंने टॉर्च मारी नीचे, अरे बोले वो तो पीछे गिर गई। अब नीचे तो क्या है, बोले वो तो पीछे गिर गई है, जब बारिश बंद हो जाएगी जब उठा लेंगे। ना 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 ना, तुम्हें क्या पता है मैं कितनी सेवा करती हूँ महाराज, मम्मी ये सीत परसूत की बीमारी लगी तो मर जाऊंगी, अभी चलो। अब दीक्षित जी बोले ये हमें दुखी करके मानेगी, बीवी मानेगी नहीं, पत्नी की जिद है ना। और महाराज जैसे ही गई, दोनों जने गए, बुढ़िया छाती के बल पड़ी थी, ध्यान दे सुनना सत्येंद्र जी, मन नहीं लगा था हमें, ध्यान देना। और जैसे ही बुढ़िया छाती के बल नीचे पड़ी थी जमीन पे, तो जब बुढ़िया को उठाया तो छाती के नीचे क्या निकला, सोना चांदी निकला ना। वो बोली सुनो सुनो, तुम मम्मी ने संवारा या माल में लेके चल रही घर, तो देख लो भैया। उसने लकड़ी की सास बनवा करके सेवा करी तो उसे माल मिला। और तुम यदि अपनी सासू माँ की सेवा करोगी ना तो तुम्हारा पति तुमसे अलग से भी नहीं की सकता है, कह देगा क्या। सबसे बड़ा मंत्र है ये, तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं हो सकती, तुम ना कितनों काम बिगड़ जाए, तुम्हारा पति कितनों थको भयो आए हुई, और तुम सासू माँ के कमरा में जाके और सासू माँ के पैर दबाना और तुम्हारा पति के ए कहाँ है, तो एक दो बार आवाज मत देना, तीसरी बार आवाज देना और धीरे से कह देना कुछ नहीं कर रही मैं, मम्मी के पैर दबा रही हूँ। हिम्मत ना जो कह देगा रोटी दे दे ला के ला, कह देगा आदमी, बताओ कह सकता है क्या। कितनों भूखो हो महाराज, चाहे चाय कुछ करो चाहे कैसे वो चाय मिले, और तुमने कह दी मैं सासू माँ के पैर दबा रही हूँ, तीसरी बार कह ही ना सकेगा, तू आ जा। क्यों, तुमने उसने कहा तो समझ जाएगा कि माँ मुझसे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि ये माँ वो चीज होती है दुनिया में जो कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। तीनों देवियों ने पूछा बताना, ऐसे नहीं मिलते पति, पति जब मिलेगा जब तुम अपनी सासू माँ की सेवा करोगी, और तुम सासू की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हें पति मिल जाएगा। कल हमने एक भजन सुनाया था, बेटी की कथा सुनाई थी कि बेटी का कन्यादान करते करते ना, बोलो ना, बेटी का कन्यादान करते हैं बेटा का कन्यादान करते हैं, बताओ। बेटी वाले कहते हैं कि हमने कन्यादान किया है, अरे बेटी वालों को तो कन्यादान किया मगर समस्या ये देखो कि बेटा की जो माँ है ना उसने कन्यादान दिया है बेटा का, तुम्हारी बेटी को। हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरे घर में बहू आएगी, मेरे बेटा की जो बहू आएगी सेवा करेगी, करती कैसे, मगर होता क्या जानती ना। बेटा को 12,000 रुपए महीना मिलते हो तनख्वाह के, जब महीना पे तनख्वाह आए तो 2,000 रुपए यदि वो अपनी माँ को दे देना तो घर में टांडव हो जाता है, होता है कि नहीं। अरे भूलो ना, क्यों ऐसा क्यों होता है, तेरा तो गुजारा 10,000 रुपए में नहीं हो रहा है, और माँ को यदि बेटा ने 2,000 रुपए दे दिया
तो कहती तुम्हें पता है कितना खर्चा है इनको, पैसा दे दिया तुमने, क्या है इनके पास, क्या खर्चा है बताइए। तो है जुल्म की बात कि नहीं? आई कोई बात नहीं। तीनों देवियां आज नाराजी से विचार किया, बोले बताइए ना कैसे पति मिलेंगे। उन्हें पति तो मिल जाएंगे महाराज, पर तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। बोले बताइए कैसे करें। आज तीनों देवियां माता अनसुईया के दरवाजे पे पहुंच गईं और तीनों देवियों ने जाकर के मैया से कहा, माँ, माता अनसुईया समझ गई कि पहले तीन आदमी आएगी, महात्मा यानी कि घरवाली होंगी तो है। माता अनसुईया बोली, तीनों अंदर आ जाओ, कोई चिंता वाली बात नहीं, तुम्हारे घर है, आ जाओ आ जाओ, क्योंकि माँ है ना, माँ जानती है, माँ को ये पहचान है, अच्छे बुरे की पहचान है, माँ सब जानती है। तीनों देवियों की हिम्मत नहीं है कि जो माँ से कहने की हमारे पति कहाँ है। और तीनों देवताओं की महाराज तीनों बच्चों की शकल भी एक जैसी बना दी माता जी ने। अब तीनों देवियां बोली, गए तो ए, हमने भेजा था इनको कि इनका धर्म नष्ट करके आना, और महाराज देखा कहीं ऐसा ना हो कि हमने किसी का दूसरे का पति छू लिया तो हमारा ही धर्म नष्ट हो जाए, पर फंस गए। आज माता लक्ष्मी माता अनसुईया के पैर दबा रही है, अब पैर दबाते दबाते आंखों में से आंसू टपका और पैर पे गिर गया। माता अनसुईया बैठ गई, बोली, लक्ष्मी तू रो रही है, बात क्या है? कि नहीं माँ, मैं रो नहीं रही हूं, मेरी आंखों में से वैसे ही आंसू आ गए। बोले, सुन, मैं माँ हूं, माँ मैं जानती हूं कि दुख का आंसू गर्म होता है और खुशी का आंसू ठंडा होता है। जब दुख हो ना तो देखना आंसू गर्म निकलते हैं और खुशी का आंसू निकले ना आंखों में से ठंडा होता है। और देख लो आंख दो ऐसी है, दुख में भी आंख वही है और सुख में भी वही है, है? आज महाराज माता अनसुईया बोली, सुनो आइए। तीनों देवियां से कहा कि तुम अपने अपने पति उठाइए। माता अनसुईया की बात सुन के तीनों देवियां घबरा गई, क्या करें, कौन से उठामे। इतने में अत्री जी आगे बोले, अनसुईया तुमने माँ कहा है ना, तुम्हारी ये बहू है ना, और माँ कभी अपनी बेटी को दुखी नहीं करती है, इनके पति लोटा। आज माता अनसुईया ने कहा, वो कैसे कहा, यहाँ बोली अनसुईया मात है। आज माँ कह रही, सुनो, यहाँ बोली अनसुईया मात है, तीनों कह रही झूठी बात है, और इन्होंने कर्म किए हैं खोटे खोटे, और बड़ी बड़ी बहुएं बालम छोटे छोटे, बड़ी बड़ी बहुएं बालम छोटे छोटे, बड़ी बड़ी बहुएं बालम छोटे छोटे। अपने पति को उठाओ
और कहां गए इनके कमंडल सूटे। माता गौरा ने कहा और कहां गए इनके कमंडल सूटे। भाई दोनों हाथ बड़ी बड़ी बहुएं बालम छोटे बड़ी बड़ी बहुएं बालम छोटे छोटे बड़ी बड़ी बहुएं बालम छोटे छोटे हरि वो माता लक्ष्मी क्या कहने लगी उमे बालम मैं उगदोला वो बालम वो ही लौंगी जो मेरे घर वाला मैं बालम वही लूंगी जो मेरे घर वाला मैं बालम वही लूंगी और मेरे पति है चक्करधारी ये लल्ला मैं ना लूंगी वो मेरा पति है चक्करधारी ये मैं लल्ला ना लूंगी मेरा पति है टोपीधारी ये मैं लल्ला ना लूंगी वो मेरा पति है टोपी वाला ये मैं लल्ला ना लूंगी मैं बालम मैं भोला मैं ढोला वही लूंगी जो मेरे घर वाला मैं बालम वही लूंगी जो मेरे घर वाला मैं बालम वही लूंगी रुद्राणी कह रही है और मेरा पति है चार्मुख वाला ये लल्ला मैं नहीं लूंगी मेरा पति हो मेरे पति चार चार्मुख मेरे पति के ये मैं लल्ला नहीं लूंगी चार चार और चार मुख है मेरे पति के ये मैं लल्ला नहीं लूंगी चार चार मुख मेरे पति के ये मैं लल्ला नहीं लूंगी मैं बालम मैं भोला मैं ढोला वही लूंगी जो मेरे घर वाला मैं बालम वही लूंगी जो मेरे घर वाला मैं बालम जो भी गलती बनी होए तो वाकू क्षमा कर दे। आज तीनों देवियों ने माता अनसुईया की प्रार्थना करी अर्चनाएं करी वंदनाएं करी। माता अनसुईया बोली सुनो अपने अपने पति तीनों सो रहे उठा ले मैया गलती हो गई। आज तीनों देवियों की प्रार्थना सुनकर के मां का दिल पत्थर का नहीं मोम का होता है माँ का दिल। आज माँ का दिल पिलक गया माँ ने तीनों को कमंडल से जल मारा और तीनों को देवता बना दिया। तीनों देवताओं ने वरदान दिया किसको अत्रि जी को अनसुईया को। चित्रकूट में है महाराज अनसुईया माता का आश्रम नर्मदा नदी पर गुप्त गोदावरी जिसे कहते हैं वहीं है पहाड़ी के अंदर और उस गोदावरी के किनारे पर माता अनसुईया का आश्रम है महाराज। आज भी जाके वहां देखो तो लगता है कि वाकई में
और कितना प्रार्थना कितनी अर्चना करी होगी उस माता अनुसुईया ने, कितनी सौभाग्य करे होंगे कि तीनों देवों को, तीनों देवियों को अपने हाथ में खिलाया होगा है। तीनों देवताओं ने वरदान दे दिया, त्रिजी तुम्हारे घर में तीन पुत्र होंगे, सोम भद्रा ब्रह्मणे नसया दत्तो न विष्णु इसे नयो वता दुर्वासा न संकरम न अंसयो निवात गानात प्रजा। तीनों देवताओं के अंश से सोम यानी के ब्रह्मा के अंश से पैदा हुए जिसे सोम कहते चंद्रमा, दत्तात्रेय भगवान विष्णु की कृपा से हुए और दुर्वासा शंकर भगवान के वरदान से हुए। इसके बाद में राजन ब्रह्मा के तीसरे पुत्र के लिए अंगिरा नाम की पत्नी से यानी कि अंगिरा ऋषि से श्रद्धा की विवाह हुआ। चार कन्याएं हुई जिनमें से दो यानी कि शनि वाली और हुक अमावस्या, दो अनुमति यानी कि राका पूर्णिमा जो अर्धरात्रि हुई। इसके बाद में राजन चौथे पुत्र ब्रह्मा के पुल है, पुलह की पत्नी का नाम है हबरू और हबरू के यानी कि दो पुत्र हुए यानी एक पुत्र हुआ जिनका नाम पर अगस्त और अगस्त के यानी कि एक पुत्र हुआ जिनका नाम है विश्रवा। विश्रवा की पत्नी दो हैं, एक का नाम इडबिडा और एक का नाम केसनी। केसनी से रावण और कुंभकर्ण विभीषण हुए यानी पांचवी कन्या जो पुत्र हैं ब्रह्मा के जिनका नाम है पुले, पुले की भार्या का नाम है गति, गति से तीन पुत्र हुए। छठे क्रतु, क्रतु की पत्नी का नाम है भार्या, भार्या से 60,000 पुत्र हुए। सातवें पुत्र हैं वशिष्ठ जिनकी पत्नी का नाम है ऊर्जा यानी अरुंधति, इनके अरुंधति के चित्र केतु आदि नाम के 27 पुत्र हुए। ब्रह्मा के आठवें पुत्र जिनका नाम है अथवा, अथवा उनकी जो चित्त है बड़ा शांत है, शांत के कारण उन्होंने शादी नहीं की, उन्हीं का नाम जाकर के पड़ा दधीच। नौवीं कन्या ब्रह्मा के नौवें पुत्र भृगु जी जिनकी पत्नी का नाम है ख्याति, और महाराज उनके दो पुत्र हुए और एक कन्या। इस प्रकार से देवहूति की नौ कन्याओं को मैंने तुमने वंश सुनाया। इन्हीं के जो पुत्र हैं जिनका नाम है करदम के पुत्र हैं कपिल देव। कपिल देव ने अपनी माँ को शंखनीय पाठ का अध्ययन कराया और शंखनीय पाठ का अध्ययन कराने के बाद में राजन आज अपनी माँ को वैकुंठ को भेज दिया। इसके बाद में राजन राजा स्वयंवा मनु की तीसरी पत्नी का नाम है प्रसूति, क्या नाम है, जो दक्ष प्रजापति के लिए ब्याही थी। उनके 16 कन्याएं हुई, एक कन्या अग्नि को दे दी, एक पितरों को दे दी और एक भगवान शिव को, और 13 कन्या धर्म को दे दी, वही शंकर को दी जिसका नाम है सती। जानते सुनना, आज माता सती जिद कर जाती है पति से, कैलाश पर्वत पर बैठी है देवों के देव महादेव के साथ और विमान उड़ रहे हैं महाराज, आकाश में विमान उड़ रहे हैं, नए नए कपड़े वस्त्र पहन के लोग भाग जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा स्वामी एक बात बताइए ना, क्या ये लोग नए नए वस्त्र आभूषण पहन करके कहां जा रहे हैं, क्या बात है। भोले बाबा ने कहा कि सती तुम मेरी बात मान जाइए, इस बात को मत पूछो। उन्होंने कहा क्यों, कि तुम नहीं मानती हो फिर तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं बताइए ना महाराज कहां जा रहे हैं ये लोग।
उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ कराई है, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ कराई है और उस यज्ञ में ये सभी देवी देवतागण जा रहे हैं, सबको नौता दिया है, सबको निमंत्रण दिया है, मैं हमारे लिए मगर नौता नहीं भेजा है। ध्यान से सुनना। माता सती बोली, बोले बाबा के हाँ, नौके में के डॉक्टर के यहाँ, गुरु के यहाँ, अपने माँ बाप के यहाँ तो बिना बुलाए चले जाएं। हाँ, डॉक्टर के यहाँ बीमार नहीं हो, ठीक ठाक हो तो नहीं जाना चाहिए। बीमार हो जब भी जाना चाहिए डॉक्टर पास, रोज जाके बैठ जाओ, डॉक्टर साहब देखिए मुझे क्या हो गया है। उन्होंने कहा महाराज मोगे ना मानू, तुम मोए एक बार भेज दो। बोले बाबा ने बहुत मने किया, माता सती नहीं मानी, समझाया बड़े प्यार से समझाया। माता सती जिद कर गई और कहने लगी सुनो भोले बाबा, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहा ना कुछ मांगा, क्या ठीक है नहीं मांगा तो अच्छी बात है, जब तुमने नहीं मांगा तो कोई बात नहीं है। आज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, कह रही है क्या, अरे कहो तो बाबा, कहो तो भोले, कहो तो बाबा पीहर चली जाऊं मैं, 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 अरे बहुत दिना से मैया से मिली नाऊ में, बहुत दिना से मैया से मिली नाऊ में। बोली शंकर भगवान की, भगवान की, उठाई दोनों हाथ और डमरू बारे और लट धारी, डमरू बारे पीहर चली जाऊ में, कहो तो बाबा पीहर चली जाऊ में। बारह वर्ष बीते हैं मुझको, आज माता सती कह रही है, बारह वर्ष बीते हैं मुझको जिया दुख भारी, बारह वर्ष हैं गए मुझको जिया कुंद है भारी, बारह वर्ष बीते हैं मुझको जिया दुख अत भारी, बारह वर्ष बीते हैं मुझको जिया दुखी है भारी, पियर की झांकी कर लूंगी, मिल जाए बहने हमारी रे बाबा, मिल जाए बहने हमारी बाबा, मिल जाए बहने हमारी, पियर की तो झांकी कर आऊं ए बाबा, ओ बाबा, और पियर की तो झांकी कर आऊं, मिल जाए बहन हमारी, अरे मिल जाए बहन हमारी बाबा, मिल जाए बहन हमारी, मिल जाए बहने हमारी जैसे अमू, मिल जाए बहने हमारी। अरे बहुत दिना से, बहुत दिना से मैया से मिली नाऊ में, क्या नहीं मिला दोनों हाथ ऊपर करके, अरे बहुत दिना से मैया से मिली नाऊ में, कहो तो बाबा, कहो तो भोले पीहर चली जाऊ में, हर चली जाऊं मैं। जी
से सुनना। बहुत सुंदर झांकी भी आ रही है अभी, बहुत सुंदर झांकी आ रही है। देवों के देव महादेव आ रहे हैं और आएंगे, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में बहुत दम है हमारा। और मेरे पिता ने यज्ञ रचाई भीड़ होए अति भारी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाई भीड़ होए अति भारी, भीड़ होए अति भारी रे बाबा, भीड़ होए अति भारी, भीड़ होए अति भारी। मेरे पिता ने यज्ञ रचाई भीड़ होए अति भारी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाई भीड़ होए अति भारी। और मैया से मिल करके आऊं, मिल जाए बहने हमारी, अरे मिल जाए बहने हमारी बाबा, मिल जाए बहने हमारी, मिल जाए बहने हमारी बाबा, मिल जाए बहने हमारी। अरे बहुत दिना से मैया से मिली ना मैं, अरे बहुत दिना से मैया से मिली ना मैं। उठाइए दोनों हाथ और क्या कहना है, और डमरू बारे भोले बाबा, और डमरू बारे पीहर चली जाऊं मैं, ओ डमरू वाले पीहर चली जाऊं मैं, हो भोले बाबा पीहर चली जाऊं मैं, हो भोले बाबा पीहर चली जाऊं मैं, पर बाबा मैं तो पीहर चली जाऊंगी, भोले बाबा पीहर चली जाऊं। सती जुम्मे पर गई, कहने लगी महाराज बोलदी भेजू ना कह दू ना। भोले बाबा कहने लगे माता सती थे तू नहीं मानेगी, तुझे पता नहीं है सती बिना बुलाए जो पीर को जाती हैं उन्हें सम्मान नहीं मिलता। मिलता है क्या है? तुम बताओ, बिना बुलाए पीर में जाएं सम्मान मिलता है? शायद भाई भी पास नहीं आते है? जब तक माँ बाप का चेहरा होता है, माँ बाप होते हैं तो बेटी को याद करते हैं, मगर भाई तो ऐसे होते हैं कि बहन को भूल जाते हैं है? फिर नहीं बहन नहीं जाए तो कहते हैं बहन को अहंकार हो गया इसलिए नहीं आती है। पर आज ध्यान देना, माता सती दर्शकुं मन में रो ललचा। आज माता सती कह रही है कि मात पिता के दर्शकूं मन में रो ललचा, सखिन ते मिल आऊंगी भेज दियो पोसा। पोसा जानते हैं पियर, बिहार में कहते नैयर जाना है ना। आज नैयर के लिए माता सती कह रही है, मगर भोले बाबा मने कर रहे हैं, सुनो तू जा रही है मान जा मत जा, अरे बहुत पछतावेगी मान जा। जानो बाबा, अरे मान जा कछु ना मिलेगा बिना मेरे, कोई ना पूछेगा तो घास उड़ा रहे जानो ना मान नहीं सुन के पीछे पछतावेगी ए सती। आज इस बाबा को छोड़ के जाएगी ना दुख पावेगी देख ले, और नहीं मेरे संग रहेगी तो मौज उड़ावेगी है के पीछे पछतावेगी। क्यों नार छुपा रही है और तू बिना बुलाए के पीहर को जा रही है, तू बिना बुलाए के पीहर को जा रही है। वो पीछे पछतावेगी क्यों नार छुपा रही है, क्या बुलाए के पीहर को जा रही है। और क्या कह रहे हैं भोले बाबा सुन रही है ना, तेरा बाप अहंकारी है। अच्छा हाँ,
जाने यज्ञ रचायो है, यश खूब कमायो है, ओ जाने यज्ञ रचायो है, ओ यश खूब कमायो है। और क्या कारण से मोकू ए सती, क्या कारण से मोकू नो तो नहीं आयो है, कारण से हमको न्यो तो नहीं आयो है, क्या कारण से हमको न्यो तो नहीं आयो है। तू जानना है अपने पिता है, तेरे जो पिता है ना बहुत अहंकारी की बैठक का देख रहे हैं बंदर सुनो ले, बहुत अहंकार है यार, यानी यज्ञ रचायो है, यश खूब कमायो है, क्या कारण थे हमको नो तो नहीं आयो है, क्या कारण से हमको न्यो तो नहीं आयो है, क्या कारण से हमको न्यो तो नहीं आयो है। सब हंसी करे मेरी बिना बुलाए जाएगी तो क्या होगा जानती है ना, सब हंसी करे तेरी क्यों रार बढ़ाए रही है, उठाइए दोनों हाथ, और बिना बुलाए के की हरकू जा रही है, बिना बुलाए के पीहर को जा रही है, सुनाओ। सब देव पधारेंगे, जय हो, वो सब देव पधारेंगे, जय हो, मंत्र उच्चारेंगे, सब देव पधारेंगे, वो मंत्र उच्चारेंगे, और सुने तेरो नाय पिता तेरो मुखू सुन नहीं है कि नाय नाए पिता तेरो मुखू आहो दी डारेंगे, नाए पिता तेरे मुखू आहो दी डारेंगे, क्योंकि राजा दक्ष को बहुत बड़ा अहंकार था, लड़की वाले भी ये सोचते हैं कि ये दामाद जो होते ना खरीद लो ने, ये हमारे नौकर हैं, बेटी से एक शब्द कुछ कह दो ना महाराज लाठी पानी लेके चढ़ जाते हैं, है? छोटी सी बात लेके पतंगरा बना देते हैं, टोपी लगा के, हाँ। सब देव पधारेंगे, मंत्र उच्चारेंगे, ना पिता तेरो मुखू आहुति डारेंगे, ना पिता तेरे मुखू आहुति डारेंगे, ना पिता तेरे मुखू देवन के आगे क्यों हंसी उड़ा रही है, तू बिना बुलाए के हर कू जा रही है, तू बिना बुलाए के हर को समझ आ रहे सुज्ञानी, यानी एक नहीं मानी, समझ आ रहे सुज्ञानी,
ओ यार एक नहीं मानी। बाबू लगे घर जाए की हुई ऐसा और तानी, बाबू ने घर जाने की सती ने हथ अपनी थानी, बाबू ने घर जाने की सती ने हथ अपनी थानी। सब काम भैया के, सब काम भैया के लपसी थी खा रही है, बिना बुलाए के बोलना, बिना बुलाए एक बार हाथ ऊपर कीजिए जो बिना बुलाए पियर जाती है। बाप रे बाप, पूरे पंडाल ऐसा कहा करो जाए हैं, और अपमान निहारो हे, अपमान निहारो हे, याने बादर उखारो हे, याने बादर उखारो हे, अपमान निहारो हे और बादर फारो क्या हुआ, अपमान निहारो हे याने बादर उखारो हे, अपमान निहारो हे ओ याने बादर उखारो हे। वेदी में कूंदे परी तन अपनो जारो हे, कूंद परी तन अपनो जारो हे, पवना बाबुल कू क्यों, पवना या बाबुल कू क्यों तू दूर जटा रही है, और बिना बुलाए हर को जा रही है, बिना बुलाए के हर को जा रही है, तू बिना बुलाए के हर को जा रही है। बोली गोविंद भगवान की जय, बोली शंकर भगवान की जय। आज माता सती जुम्मे पर गई, जिद कर गई, भोले बाबा अरे मोल पठाए दे भोला पीहर कोए सीता ले लई मोल, आ मोल पठाए दे भोला पीहर, पठाए दे भोला पीहर को, पठाए दे भोला पीहर को, पठाए दे भोला तैयार को, पठाए दे भोला भेज दे बाबा। कौन कौन जाना चाह रही है, दोनों हाथ उठाइए और ताली बजा के कहना है ऐसी कहा ले लई मोल, अरे मोल भेज दे बाबा पीहर को ऐसी कहा ले लई मोल, पर मोए भरोसा ना है तेरे पियरी ने को चुगी मामला गड़बड़ है, टोपी लगा लगा के डोले तो करी है। हां उन्ना लटी घटी में आऊंगी, अरे ना लटी घटी में आऊंगी, ना लटी घटी में आऊंगी, और
अरे मैं मैया से मिल आऊंगी, मैं मैया से मिल आऊंगी, मैं मैया से मिल आऊंगी। और बाबा अगर आपको विश्वास नहीं है, अरे कांटे पे लइयो तोले, अरे तोले भेज दे रे भोला पीहर को, ऐसी काले लई मोल हाँ मोल भोज दे भोला पीहर को, ऐसी काले लई मोल अरे मोल भेज दे रे भोला पीहर। जब ये बात आई तो माता सती कह रही है सुनो, हाँ मैंने देखा तुमसा नंग नहीं, मैंने देखा तुमसा नंग नहीं, तेरे घर में भूजी भंग नहीं, तेरे घर में भूजी भंग नहीं, क्यों बोलो बड़े की बोल, अरे बोल भेज दे बाबा पीहर को, शंकर भगवान की जय। आज माता सती जुम्मे पर गई, ताने मार दिए, तुम्हारे घर में देखी मैंने, तुम कितने वो गाम गाम भीख मांगो बता बड़बड़ के बोल रहे हैं, ऐसा नंगा कोई देखो हमने, कभी बिहार जाओ, कभी दिल्ली में जाओ, कभी हरियाणा में जाओ, कभी राजस्थान में जाओ, कभी छत्तीसगढ़, कभी एमपी में, उत्तराखंड में, कहा है तुम्हारे घर में भूजी भंग नहीं है, बड़बड़ के बोल रहे हैं, मैं जाऊंगी पीयर को। बोले बाबा बोले अब बात नहीं बनेगी, जाना ही पड़ेगा। लो महाराज जा रही हैं आप, कहाँ सुनो चली जाओ, जितने भी तुम्हारे वस्त्र आभूषण है ना, जितने भी सब ले जाओ। क्यों कहा? भोले बाबा ने ये बात क्यों कही कि तुम ले जाओ, चली जाओ, क्यों जी? क्योंकि उनको पता है कि ये अपना अपमान सहन कर सकती है, मगर मेरा अपमान सहन नहीं कर सकती। क्यों जी एक बात बताइए, जब उन्होंने सबको नौता दिया, जब सबको नौता दिया तो भोले बाबा को नौता क्यों नहीं दिया? क्यों पर अच्छा जी भाई उनके दामाद हैं, और दामाद को तो वैसे ही बुलाते हैं अपने घर में, बुलाते ना यज्ञ फेंके होती है तो। पर दक्ष ने अपने दामाद को नौता क्यों नहीं दिया? क्यों जी? या तो दामाद में कमी होगी, होगी कि नहीं भाई? एक बता, सब जाने, दुनिया जाने, संसार जाने, कमी ना ही भांग पीवे हो तो ऐसे दामाद कौन बुलाए घर में? क्यों जी भाई पी में ना है भोले बाबा, भांग पी में ना है? हमन तो देखा है जब कावर आती है लाते हैं ना लोग भांग पीते, कहते भोले बम बम भोले, है ना? नहीं नार फार में डारा सरा पर भांग। और जिस घर में दामाद में अवगुण हो जाए तो ऐसा दामाद को कोई ससुर बुलाएगा अपने घर पे? यही कारण था ना चौजी दुकान वाले, यही कारण था ना भोले बाबा को ना बुलाने का। चलो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार सभी देवताओं की सभा लगी हुई थी, सभी देवताओं की, वहां भोले बाबा भी बैठे थे और देवताओं के राजा थे दक्ष। तो जब देवताओं के राजा को आने में टाइम था तो भोले बाबा ने सोचा कि जब तक ये आएंगे जब तक एक माला भजन कर लें। और महाराज जैसे ही इन्होंने माला घुमाना शुरू किया, जब आधी से ज्यादा माला हो गई, दस पांच मूंगा रह गए, तो इतने में ही राजा दक्ष आ गए। तो सभी देवता देवी गण सब खड़े हो गए, मगर भोले बाबा ने कहा कि दो चार मूंगा हैं, इसके बाद में खड़े होकर नमाज कर लेंगे। तो महाराज मूंगा फेरते रहे, इन्होंने मन ही मन प्रणाम कर लिया, शीश झुका लिया, क्योंकि आसन पे थे
कभी भी भजन को तोड़ना नहीं चाहिए। पर आजकल तो क्या जानती, भगवान गुरुजी के यहाँ बड़ी समस्या है, घर में परेशानी आ रही है, काम नहीं चल रहा है, सारा काम बंद हो गया है महाराज, क्या करें, कुछ युक्ति बताओ ना। तो गुरुजी ने कहा कि एक माला जपना। माला हाथ में ले ली, ध्यान से सुनना, और माला जपते जपते जैसे ही अधवर में माला पहुंची, तुरंत फोन आ गया। किसका? पार्टी का। और जैसी पार्टी का फोन आया तो महाराज माला रोक दी, बोले हाँ भैया बताओ क्या काम है। ये काम है, इतने का सामान है, ऐसे दोगे? एक हाथ में माला, एक हाथ में फोन लग रहा है। माला रुक गई। अब महाराज माला रुकते ही काम रुक गया, जिद कर गया कि नहीं मैं 10 रुपए में दूंगा, और ग्राहक कह रहा है कि मैं 9 रुपए में लूंगा। उसने कहा नहीं ले, मुझे 9 रुपए में लेनी है, देनी दे मत दे, फोन काट दिया। और जैसे ही फोन कटा तो मालिक ने सोचा कि बताइए ना, यदि मैं इसे 8 रुपए में बेच दूंगा तो भी मुझे फायदा होगा, और 9 रुपए में ले रहा है। अब माला घुमाना शुरू कर दिया, भगवान ये तो गड़बड़ होगी, दोबारा फोन आ जाए तो मैं 8 में दे दूंगा। भगवान ने कहा सुन, जब तेरा काम नहीं चल रहा था तो तूने मेरी माला घुमाई, और जब तेरा काम तेरे पर आना शुरू हुआ तो तैने मेरी माला रोक दी, तैने मेरी माला को रोका, मैंने तेरे काम को रोक दिया। इस माला भगवान के भजन को छोड़ दोगे, भगवान के चिंतन को छोड़ दोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। आइए भोले बाबा भी भजन कर रहे हैं। अब भोले बाबा जब खड़े नहीं हुए, माला को नहीं छोड़ा, तो राजा दक्ष तो भाई अहंकार थे, ससुर थे ना वो, उन्होंने कहा हमने बेटी दी है इसको, दामाद है हमारा। कहने लगे मुझे नहीं पता था, अरे ऐसा नंगा है, मैं कभी विवाह नहीं करता, अरे ये तो नारद के कहने से मैंने शादी कर दी, मैं क्यों का शादी करता थे बाबा जी को, ये क्या है क्या नहीं है। आजकल का दामाद ऐसे सुन लेगा ससुर की, चाहे कितनों नंगो हो दामाद, कितनों बेकार हो, तो ये ससुरों ने नेक भी ऐंठ के कह दिया तो सीधी कह दे ले तारा पई सीताराम हम जा रहे पर, है ना। मगर भोले बाबा नहीं उठे, सुनते रहे। क्यों सुना उन्होंने? उनकी माला पूरी नहीं हुई थी, और जब माला पूरी हो गई तो अपना आसन उठाया, अपने सीधे कैलाश पर्वत पर आगे, बोले गोविंद भगवान की। तो राजा दक्ष ने इस कारण से अपने दामाद को नौता नहीं दिया था, सब बुलाई सब। अब माता सती थी, कहा कि देवी तुम जा रही हो? कहां जाना तो है, तो जाओ। आज माता सती की भवन शीला वतान श्रेष्ठ दक्षयो दयात व्रतेन वर्षला दुहेन करायान कदान ग्रते द्रजान मायसेन सती। आज महाराज माता सती आज उस मायके में गई, नैयर में गई, पियर में पहुंची, तो राजा दक्ष का ये आदेश था कि कोई भी सती का सम्मान नहीं करेगा, कोई भी सती से बोलेगा नहीं, और जो सती का सम्मान जो सती से बोलेगा उसे और उसके परिवार को मैं कोलू में पेर दूंगा। इतना बड़ा आदेश हो जाए तो महाराज कौन बोलेगा। आज महाराज सभी एक दूसरे की मुंह की तरफ देख रहे हैं कि दीनान रचयम न भवासयान भवैतिकम, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, भाव बना रहे हैं, और सती की आंखों में आंसू आ गए कि जब माँ दुनिया में कोई नहीं बोले, बेटी से माँ तो जरूर बोलती है ना, आज बेटी से माँ नहीं बोली, सती नहीं बोली,
क्यों कि यदि सती से प्रसूति बोल जाती तो उसका पतिव धर्म नष्ट हो जाता। इधर पुत्र मोह है और इधर पतिव धर्म है। धर्म संकट में मां फंस गई। अनहन उताया यसे न भावो स्वयान कृतम मात्र भाव। आज माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। आज मैया ने जब बेटी की तरफ देखा बोली बेटा तू क्यों आ गई, तुझे नहीं आना था। जब तेरे पिता ने तुझे नौता नहीं दिया और ये तेरे पिता का आदेश है कि कोई भी तुझसे नहीं बोलेगा, आइए। आज सती किस तरीका से कैसे कैसे रोने लगी, माँ से कहने लगी, माँ जो भी मुंह पे जाने अनजाने में गलती हुई से क्षमा कर देना। उधर तो मैं अपने पति से जिद करके मैं अपने मायके में आई और आज मायके में आकर के मुझे सम्मान नहीं मिला। आज कैसे कैसे सती रो रही है, आइए। मैया मोते मिलले बुजा पसार, मैया मोते मिलले भुजा पसारी, बेटी तेरी फेरी नहीं मिलने की। मैया मोते मिलले भुजा पसारी, बेटी तेरी फेरी नहीं मिलने की। अरे फेरी नहीं मिलने की, लाड़ो तेरी फेरी नहीं मिलने की। अरे फेरी नहीं मिलने बेटी तेरी फेर नहीं मिलने की। मैया मोते मिल ले भुजा पसार, बेटी तेरी फेर नहीं मिलने की। मैया मोते मिल ले भुजा पसार, बेटी तेरी फेर नहीं मिलने की। पत्नी बार बार समझाई, पत्नी बार बार समझाई, पत्नी बार बार समझाई, पत्नी बार बार समझाई, माँ तेरी ममता खींच के लाई, मेरी ममता खींच के लाई। हे माँ पत्नी बार बार समझाई, माँ तेरी ममता मोहे आई, माँ ममता मोहे आई। मैया मोते मिल ले भुजा पसारे, बेटी तेरी फेरी नहीं आने की। मैया मोते मिल ले भुजा पसारे, बेटी तेरी फेरी नहीं आने की। नहीं आने की रे लाड़ो, फिर नहीं आने की। अरे फिर नहीं आने की लाड़ो, फिर नहीं आने की। मैया मोते मिल ले भुजा पसारे, बेटी तेरी फिर नहीं आने की। मैया मोते मिल ले भुजा पसारे, बेटी तेरी फिर नहीं आने की।
किसी का। आज बेटी कह रही है माँ से, नहीं किसी का दोष धरूंगी, 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 अपनी करनी आप भरूंगी, अपनी करनी आप भरूंगी, अपनी करनी आप भरूंगी, अपनी करनी आप भरूंगी, राम राम ले ले मेरी माई, राम राम ले ले मेरी माई, देख लियो पोसार बेटी तेरी, फिर नहीं मिलने की, ओ मैया मोसे मिल ले भोजा पसार बेटी तेरी, फिर नहीं आने की। अरे पार न पाया कर्म गति का, पार न पाया कर्म गति का, पार न पाया, पार न पाया कर्म गति का, पार न पाया कर्म गति का, अनजल उठ गया तेरी सती का, अनजल उठ गया तेरी सती का, देख लिया आप मान पति का, देख ओ देख लिया अब मान पति का, राघव बड़ी न पाई पार बेटी तेरी, फिर नहीं मिलने की, मैया मोसे मिल ले भोजा पसार बेटी तेरी, फिर नहीं मिलने की, फिर नहीं मिलने की, फिर नहीं मिलने की, हाँ फिर नहीं मिलने की बेटी, फिर नहीं मिलने की, श्याम मोते मिलियो भुजा पसारे बेटी तेरी, फिर नहीं मिलने की, मैया मोते मिल ले भुजा पसारे बेटी तेरी, फिर नहीं। उस माँ की तसल्ली, उस माँ की छाती पे हाथ रख कर की पूछो ना, हैं? आज महाराज जैसे यज्ञशाला में गई, सती ने देखा कि सबकी व्यवस्था है महाराज, सब देवताओं के लिए स्थान है महाराज, मगर भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है। भृगु ऋषि आचार्य हैं वहां के, पूखा ऋषि उपाचार हैं। आज महाराज उन्होंने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया पिता दक्ष, तुमने मेरा अपमान किया तो कुइया कोई बात नहीं है, मगर तुमने मेरे पति का अपमान किया है ना, अब मैं तुम्हारी इस यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगी। जैसे महाराज आज यवन कुंड पे जाकर के माता सती ने अपने शरीर में योगा द्वारा शरीर को यानी अग्नि लगाई, और वही अग्नि जाकर के राजन, वही योगा अग्नि जिसे ज्वाला जी कहते हैं ना, वो ज्वालामुखी बन गई, बोली ज्वाला मैया की। हरिद्वार से आगे कनखल है, वहां यज्ञ हुई थी। जब ये बात हुई महाराज, माता सती ने अपने शरीर में योगा अग्नि से शरीर को जला दिया, और जैसे ही शरीर जला तहाकार मच गई, यज्ञ में विध्वंस हो गया, सभी देवता लोग भागे गए भोले बाबा के पास में। भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा से, भोले बाबा कहाँ, क्या है?
माता सती ने अपना शरीर समाप्त कर दिया। अच्छी बात है। तो और जैसे ही देखना भोले बाबा से कहा ना, सुनो भोले बाबा, हाँ तुम्हारी नंदी को बहुत पीटा है, इतनी बात कही ना महाराज, अपने सर में से जटा उखाड़ के जमीन पे फेंकी और वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा हो गया। उन्होंने कहा बताइए आदेश। जब से एक शब्द चला है आदेश, जो होते ना नाथपंथी, नाथपंथी जो महात्मा होते ना, जोगी जो बाबा गोरखनाथ के पंथी है, वो कभी रामा कृष्णा नहीं करते महाराज। महाराज आदेश, आदेश आदेश होता है महाराज। कान फाड़ करके बड़े बड़े कुंडल पहने थे लकड़ी के, काले काले जोगी, क्योंकि कहते हैं ना ब्राह्मण नहाया जुलम ढाया, और जोगी नहाया घर नहीं पाया। महाराज ब्राह्मण नहाले तो 4 बजे चाय मांगते, और जोगी यदि नहाले ना तो महाराज अपना कमंडल झोला उठाया निकल लेते सीधा। हाँ दियो माई के लिए, एक बार जोर से बोल दो राधे। आज महाराज वीरभद्र नंदी के साथ में गया और महाराज जाकर के यज्ञ में विध्वंस मचाने लगा। अब तो जो जो आए थे जिनको पूखा ऋषि ना, उनके एक घूंसा मारा बत्ती सी बाहर, दांत बाहर निकल गए। महाराज पूखा ऋषि को खाऊं 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 ऐसे करता ना, दांत रगड़ जाए। दांत निकल गए। अब पूखा ऋषि यानी कि भृगु ऋषि की दाढ़ी को पकड़ा, झटका मारा महाराज सपा। तो आज भी तुमने देखा होगा महाराज, कई आदमी ऐसे होते जिनकी दाढ़ी नहीं निकलती है ना, वो पूखा ऋषि के यानी कि खानदानी होते हैं। और जिनके दांत खराब हो जाते हैं ना, ब्राह्मणों की जो हवन करते हैं, हवन में गड़बड़ करते हैं, पूजा पाठ में चोरी करते हैं, उनके दांत निकल जाते हैं 3200 बाहर। फिर कहां जा बेटा हकला आखवा है रो ये ना। अभी हमारे बीच गुरुजी के कुछ आए हैं ये बदरपुर से। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भक्त 100% और आवाज 40%, क्योंकि तुम्हारी आवाज में दम नहीं है इसलिए। ये भी हो सकता है महाराज। हाँ बिल्कुल पक्की बात। हाँ आपके बहुत जोर से जयकारा लगाना है। महाराज जी को दिखा दो शहीद भगत सिंह कॉलोनी के लोग कैसे हैं, भक्त कैसे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए महाराज आपके अगर जोर से जयकारा लगेगा तो ये महाराज जी का जो बैग रखा है आपको दिया जाएगा। जयकारा तुम लगवा रहे, बैग में क्यों दूंगा? नहीं आप तो कह रही थी। हाँ जी वाह, देख रहे हैं ऐसे नहीं मिलेगा। देखिए दो पार्टी कर लीजिए, इधर वाले हिंदुस्तान और इधर वाले पाकिस्तान। नहीं हो सकता, राजस्थान भी तो हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान का तो नाम निशान भी नहीं है हमारे। हिंदुस्तान और इधर राजस्थान, ठीक है, जो जीतेगा उसको बैग मिलेगा। चलो ये कह रहे हैं तो दे दूंगा, कोई बात नहीं, हम बैग पैसे ना जी। नहीं हो, हो या न हो तुम फायदा में रहोगे। ठीक है ठीक है। इधर वाले पहले बोले बागे बिहारी लाल की। अरे तुम तो मिलमा गुलमा बोल रहे हो। इधर वाले बोले, अरे पार्टी अलग अलग हैं, बैग उसी को मिलेगा, मिलके मत बोल ना, अलग अलग। बोले बागे बिहारी लाल की। अब आप इधर वाले नहीं बोलेंगे, इधर से आवाज आएगी राजस्थान से, देखिए कितनी जोरदार आ रही है। बोले बागे बिहारी लाल की। देखिए कमी आपकी नहीं है, आप हैं मेरी काना की कोयल। कौन है? कोयल। और ये पीछे जो बैठे हैं मेरे काना के कौआ। कौआ कौआ नहीं है, शेर हैं। देखो आपके जोर से जयकारा लगाना है वरना मेरी बेइज्जती। अच्छा जी बोले बाबा के संग में तू क्या करवावेगी, ओ गोरारी तू सुख नहीं पावेगी, हो गोरारी तू सुख नहीं पावेगी। भोले बाबा के संग में तू क्या करवावेगी,
तंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है प्यार से जपोगे तो मिटेगा सारा गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 यार तालियां जब सीध लगाया जब सीध लगाया आशुतो से भोले बाबा भय परेशान पखेरे के मुख से जो बोली बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 गिराया पर खाल बगंबर अंगा मेरो भोले मस्त मरंगा मेरो भोले मस्त मरंगा मेरो भोले मस्त मरंगा गुरुदास मांगे तेरी नजर करम ओ भक्त पे कर दो बाबा कर दम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम आज देवों के देव महादेव ने कहा इस दक्ष का सर कहां है तो यानी वीरभद्र ने महाराज इतने आवेश में फेंका इतनी क्रोध में फेंका कि वो अतीत गुण से ऊपर चला गया और जब अतीत गुण से ऊपर चला गया तो पृथ्वी में वापस नहीं आया। फिर उन्होंने एक बकरे का सर कटवा करके और उस सर को उस दक्ष पे रखा। ज्ञान विशुद्ध्यान दयातान प्रभव प्रभवे न पासान आज महाराज बकरा की तरह बोलने लगे तो सबसे पहले दक्ष ने ये बात बोली थी बललल बम बकरा बोलता है ना बललल करके भोले बाबा लौट गए का बम
रखनी से मेरे ना मैं तन समझाऊं ओ बोली अच्छा? मेरे पाछे पाछे आ जाने मेरे पाछे पाछे आ जाने तन दर्शन कराऊं ओ बोली तन दर्शन कराऊं चलो होली तन दर्शन कराऊं ओ बोली ना मैं खाऊं लड्डू पेड़ा ना मैं मिश्री मलाई क्या कहाँ पिएगा ना मैं खाऊं लड्डू पेड़ा ना मैं मिश्री मलाई ना मैं खाऊं लड्डू पेड़ा ना मैं मिश्री मलाई ना मैं खाऊं लड्डू पेड़ा ना मैं मिश्री मलाई घर में खड़ी हो तो घोट के तुंडा देना अच्छा गणपति महतारी गणपति महतारी एक लोटा भाग पिला दे गणपति महतारी एक ओ गणेश के बाबू
गणपति महतारी, गणपति महतारी, एक लोटा पान पिला देना। जाऊंगी मत भोले घबराइए, बिना बुलाए अपने प्रिय
ये भी टोपी पहनाने आए, वो पक्की बात है। क्योंकि आजकल चेला ही गुरु को टोपी टोपा पहनाते महाराज, कहते गुरु जी को भेंगा दो। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। जिला समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं और खजूरी खास गली नंबर 14 में रहते हैं। इन्होंने भागवत कथा कराई थी, कैमरा वाले कह रहे हैं भोली बाबा की बिहारी लाल की। बहुत सुंदर भाव है, ऊपर पदमाने पे ध्यान से सुनना। बातें करोगे जल्दी कर दूंगा, प्यार से सुनोगे तो थोड़ा टाइम लगाऊंगा। अब देखो टाइम तो अपनी रफ्तार में चल रहा है। अब मैं सोच रहा था कि राम जन्म हो जाए तो राम जन्म तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राम जी दिन में पैदा हुए थे, अंधेरे में नहीं हुए। तो कल राम जी का जन्म कल कराएंगे, फिर शाम को ही कृष्ण जन्म। कल पांचवा दिन है कथा का, और कल हम तुम्हें राम जी के जन्म से स्टार्ट करेंगे कथा को, और महाराज भगवान कन्हैया के जन्म तक सुनाएंगे, ठीक है ना। कल सीता का कन्यादान जो भी करना चाहें वो सुनाएंगे, और राम जी ने क्या क्या किया था, कैसे जाकर के जनकपुरी में शादी करके लाए थे, ये तो कल कथा में सुनाएंगे। टाइम से सभी को आना है, ठीक है, आओगे ना। और कल इस पांडाल को सजा दो, क्योंकि सजा दो घर को गुलशन से, सजा दो घर गुलशन से, मेरे मेरे भगवान आएंगे श्री राधे। तो ये देख लो कल इस पांडाल का सजावट करनी है। कल कन्हैया का बर्थडे है मेरे काना का, विश्वगोड का। शायद इस कॉलोनी में सबके लड्डू गोपाल है, बड़ी ताजिब की बात मुझे आज कहना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है, इस कॉलोनी में सबके घर में लड्डू गोपाल होंगे पक्का, मगर कथा में कोई अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेके नहीं आता है, है? अरे भागवत कथा हो रही है, लड्डू गोपाल को कथा सुनाओगे। द्रौपदी का सगा भाई नहीं था, फिर भी देख लो पूरे पांडवों को बचाया और खुद ड्राइवर बन गया था। ड्राइवर जिसका ड्राइवर बढ़िया होगा उसकी मंजिल आसान होगी, और ड्राइवर हुआ शराबी, शराब पी करके कहीं ना कहीं पलट देगा। तो देख लो मेरी माता बहन भैया, कल मेरे काना का बर्थडे है,
सभी को बधाई लेके आनी कल। और जब किसी के यहाँ बेटा होता है तो क्या लेके जाते हैं, क्या लेके जामे जी, कहीं के यहाँ बेटा हो बेटी हो तो क्या लेके जामे, कपड़ा में काके में जाली तो कहाँ थे तुम, विदेश से आई हो हुई। अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, और नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। मैं हरिद्वार गया जाके गंगा में नहाया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बस अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बस अमृत पिलाने से क्या फायदा। सर की चादर तो पुरानी हुई, नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। पूजा आरती करी, पूजा करते दिल में ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी पूजा कराने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, पूजा कराने से क्या फायदा। पुत्र हुआ, बड़े बेटा का नाम ध्रुव है, छोटे का नाम है उत्तम। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। एक दिन ध्रुव यानी कि उत्तम के संग खेलने के लिए महल में चले गए, और ध्रुव जी ने महाराज जैसे ही ध्रुव जी को यानी उत्तम पाद राजा ने देखा तो उत्तम को यानी कि नीचे उंगली पकड़ा दी और ध्रुव को गोदी में ले लिया, और गोदी में लेकर के महाराज उनकी जो पत्नी है ना जिसका नाम है सुरुचि, उत्तम की माँ, उन्होंने आकर के बाजू पकड़ के झटका मार के जमीन पर गिरा दिया और कहा कि यदि तुझे इस गोद में बैठना है तो परमात्मा से जाके प्रार्थना कर और मेरी इस कोख से जन्म लेगा, तब जाके तू इस गोद में बैठेगा। आज ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास में पहुंचे, माँ ने कहा बेटा मासी, मौसी नहीं थी मासी, क्योंकि मौसी होती है बहन, माँ की बहन, वो माँ की बहन तो नहीं थी मासी। उन्होंने कहा बेटा मासी मेरे जैसी, उसने मारा मैंने मारा कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा माँ मैं इस गांव में इस नगर में नहीं रहूंगा, यदि मैं इस गांव में रहा तो मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। और माता की आज्ञा लेकर के महाराज
आज द्रौपदी जंगल में गए, उन्होंने जाकर के यमुना के किनारे पर बैठ करके तो भगवान के नाम का भजन चिंतन किया। छह महीना में गोविंद सामने आ गए। गोविंद ने कहा मांगो, क्या मांगना है। पांच साल का बच्चा था, कितना यानी 5 इयर्स, 5 साल का बच्चा है महाराज। अब वो मांगे तो क्या मांगे, भगवान समझ गए उन्होंने कि ये बच्चा समझदार नहीं, मांग नहीं सकता है। कह दिया 36,000 वर्ष तक इस राजगद्दी का भोग करेगा और महाराज तू मरेगा नहीं, तो अमर पद दे दिया। उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा दिखता है वो तुझे मैंने पद दे दिया, जा। उन्होंने कहा बेबी जी, बच्चा तो है ही, अपने घर पे नाचने वाली बुलाई। कौन बुलाई? नाचने वाली, जानते ना अभी जो बुलाए हमने झांकी वाले बुलाए तो कई लोग आगे इकट्ठे हो गए। जब वहां नाच गाना हुआ तो उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया। किसने? राजा ने। तो राजा ने कहा गुरुजी ये कुछ सोने की असरपियां हैं, यदि तुम्हें इस नाच गाने वाली का गाना बजाना अच्छा लगे तो इनको इनाम दे देना। ठीक है। जब नाच गाना हुआ तो इन बजाने वालों में खासियत होती है, इन्हें पैसा मिलता रहे ना तो अच्छे बजाते हैं, मन से बजाते हैं, थकते नहीं है। और इनको पैसा मिलना बंद हुआ तो फिर एक दूसरे से बात करते हैं, जल्दी आरती करवाओ। हर किसी की बात है, क्योंकि कलाकार को इनाम मिलता रहता है तो वो खुश रहता है। तो जैसे इस नाचने वाले के संगीत वालों ने, ढोलक वाले ने, पैड वाले ने, बाजे वाले ने जब बाजा हल्का कर दिया बजाना, उस नाचने वाली ने एक बात कही, बहुत गई बहुत गई, थोड़ी रही और यूं बीती जाए, ताल भंग मत ही दया शंकर ने कुरे ताल। बहुत चली गई, घंटा घंटा का प्रोग्राम और होगा, ज्यादा ज्यादा 6 बज गए, हम आरती आरती होगी लग रहा है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे ये बात कही ना, एकदम गुरुजी के महाराज टाप दिमाग में झटका लग गया। जैसे दिमाग में झटका लगा ना, उन्होंने जितनी भी असरपियां थी ना सोने की, सारी की सारी नाचने वाली को दे दी। उसी के बराबर में बेटा बैठा था राजा का, उसने भी अपने गले में जो सोने का हार था उसको दे दिया। उसी के बराबर में राजा की बेटी बैठी थी, उसने भी अपना नौलक हार उतारा और उस नाचने वाली के गले में डाल दिया। तो राजा ने कहा ए नाच गाने वाली, ये नाच गाना बंद कर, ये लूटने के लिए आई है। नाच गाना बंद हो गया। गुरुजी तुमने इस नाचने वाले को सारी की सारी असरपियां दे दी। सोन राजा मैं तेरा गुरु हूं, ये मेरी गुरु है। क्यों? इसने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, तेरे नौते में तेरा निमंत्रण मैंने स्वीकार किया और आज मैंने पूरी रात इस नाच गाने में बिगाड़ दी। अरे 2-4 घंटे बैठ के मैं भगवान का भजन करता तो शायद कि मेरे जीवन में दाग नहीं लगता। बेटा ये बच्चे इसी आज उस बाप ने कहा राजा ने, बेटा ए बेटा सूरज, हाँ पिताजी, तूने अपना नौलका हार क्यों दिया? पिताजी सच पूछ रहे तो बता दूं कि बता कि मैंने सोचा ये बुड्ढा मरेगा नहीं, और बुड्ढा मरेगा नहीं तो मैं राजा बनूंगा नहीं, तो मैंने आज ये सोच लिया कि रात को जब नाच गाना खत्म हो जाएगा इस बुड्ढे को मार दूंगा और प्रात होते मैं राजा
मगर पिताजी इस नाचने वाली ने मुझे ज्ञान दे दिया। बहुत गई थोड़ी रही, गीव बीती जाए ताल भंग मत हरी ने कुले ताग। ये नाचने वाली ने दिमाग खोल दिया मेरा। महीना दो महीना साल छह में साल में दो चार साल में तो बुड्ढा मरेगा ही। कौन जी कब तक बैठे रहोगे? अरे बुड्ढे को दो अट्टे के तो आ गए, एक और आने वाला है। बैठ तो मैं मुखिया बन जाऊंगा, सूरज खुश हो जाएगा ना, किसी बहन को बुलाऊंगा और माँ को कह दूंगा जा वृद्धाश्रम में पहुंच जा, है ना बेटा। बदल जाओगे तो जीवन मिलेगा और नहीं तो जीवन भर पछताओगे, ध्यान रखना। आज राजा ने कहा वाह क्या बात है बेटी। हाँ पिताजी, तूने अपना नौलखा हार इस नाचने वाली क्यों दिया? पिताजी सही बताऊं या झूठ? बोले सही बताओ कि तुमको आज तक ये नहीं दिखा कि मेरी उम्र कितनी हो रही है। मैं 30 साल की हो गई मगर तुमने आज तक ये नहीं सोचा कि इस बेटी की शादी करनी है नहीं करनी है। तो मैंने विचार कर लिया था कि आज रात को नाच गाना बंद हो जाएगा, प्रात होते ही इसी जोड़ी बान के साथ में मैं लेके इसे भाग जाऊंगी और विवाह कर लूंगी। मगर पिताजी इस नाचने वाली ने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया, बहुत गई थोड़ी रही गीव बीती जाए ताल भंग मत है ये दीक्षित निकुले ताल। पिताजी जब 30 साल की उम्र में तुम्हें नहीं दिखा तो 32 में 33 में 34 में 35 साल में कभी तो नजर पड़ेगी। अरे साल दो साल में कभी तो मेरी शादी कराएंगे। तो यदि मैं आज ये नाच गाना नहीं होता, ये ज्ञान नहीं देती, इस बात को नहीं कहती तो मैं उस डोड़ीवान के साथ में भाग जाती तो तुम्हारी भैया की पूरे परिवार की नाक कट जाती। तो मेरे भक्तों ये नाच गाने से कुछ नहीं मिलेगा। हिंदुओं तुम्हें जगना है, तुम्हें जगना पड़ेगा और तुम नहीं जगोगे तो श्रद्धा की तरह अपनी बेटियों के टुकड़े करवाओगे, ये दावा है मेरा। मैं आज बार बार यही कहता हूं जीवन में अपने बच्चे को 10 मत पढ़ाओ, 9 पढ़ाइए, 8 पढ़ाइए मगर संस्कार दीजिए संस्कार। बताइए किस किस के घर में गीता है? हाथ उठाना यार, किसका तुम गीता है घर में? गीता है? भजीता नहीं चाहिए, गीता है? बताइए, शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को। मात्र एक दो हाथ उठाए वो भी डर के मारे। गीता घर में जाके देख सकता हूं मैं। तो आज उस बच्चे ने कहा कि मैंने रामायण को कितनी बार पढ़ डाला। उस महात्मा ने कहा बेटा यदि तू रामायण को पढ़ लेता तो तेरी पत्नी छूटती नहीं, क्योंकि रामायण में चौपाई है सीय चढ़े चढ़े रघुराई ता पीछे लक्ष्मण छोटे। जब वनवास गए राम जी तो पहले सीता को नाम में चढ़ाया, फिर राम चढ़े, फिर लक्ष्मण चढ़े। तूने ट्रेन आई तो तू बैग को लेकर के ट्रेन में चढ़ गया, तेरे पत्नी का ध्यान दिया? स्टेशन पे मिलेगी नहीं तो अपने मायके में मिलेगी। तो मेरी माताओं मेरी बहनाओं मेरे भक्तों दान के साथ साथ में तुम कथा में संस्कार, क्योंकि मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगती है ना लगती रहो। यद गोली कड़वी मेरा गोविंद ने द्रव को यानी हाथी पे बिठाला है और महाराज सुरुचि के पास में पहुंच गई। तुम्हारी कोई बुराई करे, तुम्हारी कोई आलोचना करे, तुम्हें कोई गाली दे देता रहे, आलोचनाएं बुराइयां गालियां किसको मिलती जानते हैं? कुछ करता है और जो करता नहीं उसे क्या मिलेगा? जो नहीं करेगा उसे प्रसाद भी नहीं मिलेगा हमारा है? अब देखो माया जी कर रही है तो प्रसाद मिलता है इनको। बंदी बारे दे, अपना बारे दे, प्यारे दे मिला गुरु मेरा।
जलेबी की तरह या दुनिया में कॉलोनी Yeah.
I'm gonna make you mine.